बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन यानी BWC के बारे में जानेंगे, निष्कर्ष और अंत में रहेगा आपके लिए प्रश्न। तो चलिए सबसे पहले खबर पर एक नजर डाल लेते हैं। हाल ही में अमेरिका द्वारा प्राप्त एक जांच रिपोर्ट के अनुसार चीनी वैज्ञानिक तीसरे विश्व युद्ध के लिए पिछले 6 वर्षों से कोरोना वायरस सहित जैविक और आनुवांशिक हथियारों की तैयारी कर रहे हैं। इस नवीनतम प्रमाण में अब COVID-19 के खतरों को लेकर नए सिरे से आशंका भी जताई गई है। यह दस्तावेज पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा लिखा गया है। इस दस्तावेज का नाम न्यू स्पीशीज ऑफ मैन मेड वायरसेस एज जेनेटिक बायोवेपन्स है। अब देख लेते हैं कि रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक यह दस्तावेज इस बात पर जोर देता है कि आने वाले समय में संघर्ष की स्थिति में ये जीत के मुख्य हथियार साबित होंगे, क्योंकि ये दुश्मन की चिकित्सा प्रणाली को प्रभावित करने में सक्षम होंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन 2015 की शुरुआत से ही कोरोना वायरस की सैन्य क्षमता को जांच रहा था। दस्तावेज में लेखक इस बात को बताते हैं कि पहले 2 युद्धों जो कि रासायनिक और परमाणु युद्ध रहे, के विपरीत तीसरा विश्व युद्ध जैविक युद्ध होगा। जिस प्रकार जापान पर परमाणु बमों के गिराए जाने ने द्वितीय विश्व युद्ध में उसे आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया था, इसी तरह अब तीसरे विश्व युद्ध में ये जैविक हथियार जीत सुनिश्चित करने का मूल साधन साबित होंगे। शोध में कहा गया है कि इस प्रकार के हमले से अस्पतालों में रोगियों की संख्या में तीव्र वृद्धि होने से दुश्मन की चिकित्सा प्रणाली ध्वस्त हो सकती है। इसके अलावा इसमें वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के गेन ऑफ फंक्शन अनुसंधान पर भी चिंता जाहिर की गई है, जहां विषाणु विज्ञानी नए वायरस बना रहे हैं जो और अधिक संक्रामक तथा घातक कहे जा सकते हैं। बता दें कि चीन के वुहान क्षेत्र में ही सबसे पहले COVID-19 वायरस पाया गया था। विश्लेषण के अनुसार इसमें 18 लेखक हैं जो हाई रिस्क लैब में काम कर रहे थे। इसमें यह भी कहा गया है कि SARS जिसने 2003 में चीन को प्रभावित किया था, आतंकवादियों द्वारा जानबूझकर फैलाया गया एक मानव निर्मित जैविक हथियार हो सकता है। कुछ खुफिया एजेंसियों को संदेह है कि COVID-19 महामारी वुहान प्रयोगशाला रिसाफ का दुष्परिणाम हो सकती है, हालांकि इस मामले में अभी तक कोई सबूत नहीं है। हाल ही में ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने इस मामले में चीन की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि चीन कोविड को बनाकर रासायनिक युद्ध को भड़काना चाहता है। इस मामले में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख द्वारा हाल ही में कहा गया था कि COVID-19 की उत्पत्ति पर सभी सिद्धांत WHO चाइना स्टडी को पढ़ने के बाद खुल रहे हैं, जिसमें इस धारणा को खारिज कर दिया गया है कि वायरस एक प्रयोगशाला से निकला था। आइए जानते हैं जैविक युद्ध या जैव आतंकवाद क्या है। कोरोना वायरस संक्रमण के तौर तरीके को देखते हुए जैविक हथियार व जैव आतंक चर्चा के केंद्र में आ गया है। इस प्रकार के युद्ध में विषाणुओं, जीवाणुओं तथा विषैले तत्वों को मानव द्वारा ही प्राकृतिक या परिवर्धित रूप में विकसित कर अपने लक्ष्य संधान हेतु दुश्मन के विरुद्ध उसे गंभीर हानि पहुंचाने हेतु योजनाबद्ध रूप से मध्यस्थ साधन के रूप में उपयोग किया जाता है। देख लेते हैं जैविक या आनुवांशिक हथियार क्या है। प्रायः विषाणु या जीवाणु के साथ नई तकनीकी की सहायता से हमला किया जाता है, जो अन्य हथियारों से और भी ज्यादा खतरनाक होता है। उल्लेखनीय है कि कीटाणुओं, विषाणुओं अथवा फफूंद जैसे संक्रमणकारी तत्वों को जैविक हथियार कहा जाता है। बता दें कि यह दस्तावेज जैविक हथियारों के इस्तेमाल और कारणों की दशाओं सहित इससे होने वाले नुकसान को भी बताता है। इनके मुताबिक इस प्रकार के हथियारों को तेज धूप में इस्तेमाल करने से इसके रोग जनकों को नुकसान हो सकता है, जबकि बारिश या बर्फ एरोसोल कणों को प्रभावित कर सकती है। इन्हें रात में, सायंकाल में या बादल होने पर स्थिर हवा की दशा में उपयोग करने से यह लक्षित क्षेत्र तक पहुंच सकता है। आइए जानते हैं इसके प्रभाव के बारे में। जैविक हथियार मनुष्यों, जानवरों या पौधों को नुकसान पहुंचाने या मारने के लिए रोग पैदा करने वाले जीवों या विषाक्त पदार्थों का प्रसार करते हैं। आज जैव आतंकवाद एक संक्रामक रोग के रूप में फैल रहा है और प्रायः इनका उपयोग बड़े स्तर पर जीवन को नष्ट करने के लिए किया जाता है। परमाणु रासायनिक और जैविक हथियारों के कारण स्थिति निरंतर जटिल होती जा रही है, जिससे नई चुनौतियां पैदा हो रही हैं। आइए जानते हैं BWC यानी बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन के बारे में। वर्ष 1972 में बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन यानी BWC की स्थापना हुई और 26 मार्च 1975 को लागू हुआ।
वर्तमान में इसके 183 सदस्य देश हैं और 4 सिग्नेटरी देश हैं। भारत भी इसका सदस्य है। यह कन्वेंशन जैविक और विषैले हथियारों के विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, हस्तांतरण, संग्रहण और उपयोग को प्रभावी रूप से प्रतिबंधित करता है। आइए जानते हैं ऐसे में निष्कर्ष क्या होना चाहिए। वर्तमान में पूरा विश्व जिस तरीके से कोरोना महामारी के भयावह प्रकोप से जूझ रहा है, तो ऐसे में यह बताने के लिए काफी है कि कोई जैविक हथियार किस हद तक घातक सिद्ध हो सकता है। ये आज का कटु सत्य है कि जैविक हथियार अस्तित्व में आ चुके हैं। ऐसे में हमें इस प्रकार के हथियारों की प्रकृति को न सिर्फ समझना होगा, बल्कि सतर्क व प्रभावी रूप से इसके बारे में मिलकर सोचते हुए सुरक्षात्मक कदम भी उठाने होंगे। जैव आतंकवाद चूंकि एक वैश्विक समस्या है, अतः सभी हितधारकों को मिलजुल कर टीके और नई औषधियों पर शोध को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे भविष्य में आने वाली चुनौतियों से निपटा जा सके। इसके अलावा जैविक आपदा प्रबंधन से संबंधित राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी करने के साथ साथ आतंकवादियों द्वारा जैविक हथियार इस्तेमाल कर सकने की आशंका के प्रति सतर्क रहने की भी जरूरत है। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। जैविक हथियार मानव सभ्यता के अस्तित्व के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहे हैं। हालिया अध्ययनों में कोरोना वायरस को एक जैविक हथियार की तरह समझे जाने की बात सामने आ रही है। चर्चा कीजिए।